अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली कैसे हो उम्मीद है अच्छे होंगे मैं भी अच्छी हाँ और आज है अब्दुल हादी की पीटीएम तो आज कह रहे थे अब्दुल हादी के मम्मा पापा आप दोनों को ही चलना है और सारा ये कह रही थी सारा तो इसलिए जाती है कि वहाँ पर झूले हैं तो सारा भी कह रही थी तो हस्बैंड ने कहा चलो सारा को भी ले लेते हैं नहीं तो सारा की दादी कह रही थी कि सारा को यहीं पर छोड़ दो तो सारा ने कहा नहीं दादी मैं जाऊँगी मैं झूल में झूल कर आऊँगी दादी कह रही थी मैं अकेली हूँ तो आजकल ना उन्हें बहुत ज़्यादा मतलब अकेलापन महसूस होता है तो वो कह रही थी सारा को यहीं पर छोड़ दो लेकिन सारा रुकी नहीं थी कि मम, दादी वहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे झूले हैं मैं झूल कर आऊँगी और मैं अपना एडमिशन कराने जा रही हूँ एडमिशन करा कर आऊँगी तो ऐसा तो कुछ नहीं था एडमिशन तो हम इसका मार्च में ही कराएँगे बस इसको खुशी लगती है जाने की तो यहाँ पर देखो आगे आगे थी और अब्दुल हारी भाईजान सारा के पापा के साथ ही थे तो उन्होंने कहा चलो आप आगे चलो मैं पैसे लेकर आता हूँ मतलब बिल भी करना था उन्हें लाइट का तो मैंने कहा चलो तो ठीक है तो यहाँ हम सारा और मैं जा रहे थे दोनों साथ साथ तो बस आज तक वैनसडे वैनसडे में तो मार्केट बंद ही रहती है वैसे भी टाइम ग्यारह के करीब ही जा रहे थे हम बारह तक बारह लास्ट था कि बारह पे आना और नौ से बारह था तो यहाँ पर मैं दिखा रही थी बस सारा को और मैं यहाँ सारा को दिखा रही थी सारा ये मदरसा है आपको भी आना है यहाँ पे तो सारे कहती जी मामा मुझे भी यहाँ पर पढ़ना है तो इन आपकी ईद के बाद हमने एडमिशन कराएंगे और यहाँ से हम जा रहे थे सारा और मैं ही थे आगे आगे यहाँ तक तो हस्बैंड नहीं आए थे वो पीछे ही थे और बस हम यहाँ से जा रहे थे तो बिल्कुल शांति हो रही थी इतनी ज़्यादा कि मैं आपको बता नहीं सकती कितनी शांति थी और बस हम रोड से रक्षा में बैठे थे यहाँ पर सारा खुश हो रही थी काफ़ी खुश रहती है और यहाँ पर आ गए थे हम स्कूल और फिर उसके बाद हम जा रहे थे तो यहाँ रक्षे वाले अंकल हैं ना मुल्ला जी अंकल अब्दुल हादी के वो खड़े थे तो अब्दुल हादी मुझसे बता रहे थे और यहाँ पर देखो हम जा रहे थे और काफ़ी रश्ता बहुत ज्यादा उसे नहीं खेलना खेल खेलते नहीं देखो सब बच्चे खेल रहे अच्छे लग रहे पहले आपने मीठा कहा था ना था, तो ये कह रहा था मम्मा लेकर जाऊंगा तो मैंने कहा तो रहने तो ये ले जाओ नहीं नहीं। फिर खिला देंगे तो खुश हो, रह तो हो रहे ते ते थे मम्मा मैं नहीं आप मैम तीनों की है किए है तीनों की ठीक है मिठाई खिलाएंगे

चलो, बस। बड़ा हाँ, हाँ, जो चलो। और बस हम क्लास से बाहर आ रहे थे तो इतना दिल लग रहा था यहाँ पर सभी के पेरेंट्स थे बहुत ज्यादा रश था और यहाँ पे खुश हो रहे थे अब्दुल्ला आदि अपनी पिक्चर वगैरह ले रहे थे देश से आने ग्रेप अच्छा लग रहा है अच्छी है अच्छी तो लग रही है देखो बेटा आपने भी बना रखी अच्छी लग रही चलो और इतना दिल खुश होता है वो ज्यादा और यहाँ पर मैं सारे को दिखाई थी सारा ये देखो तो सारा देख रही थी खुश हो रही थी कि मम्मा बहुत अच्छा लग रहा है और उसके बाद हम ना अब्दुल हादी और सारा और मैं साथ आए थे और पापा इनके चले गए थे क्योंकि उन्हें लाइट का बिल करना था और यहाँ पर बस हम आ रहे थे और उसके बाद हम आ गए थे तो मेरे मोबाइल की बैटरी ऑफ हो गई थी और उसके बाद ना जब काफ़ी देर के बाद चार्ज हुई थी तो हमारा पानी भी ख़त्म था तो पानी चलाया हस्बैंड ने इतना ज़्यादा चला दिया कितना ज़्यादा हो रहा था मैं वॉशरूम में देख के आई क्योंकि हमारा पानी ना वॉशरूम में आता है जब एक, मतलब ऊपर से फुल हो जाता है टैंक तो मैं वहाँ पर देखने गई थी और उसके बाद हम खाने वाने से तो हो गए थे फारिग और यहाँ हमारी सास की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो रही थी तो इन ये पेड़ दबा रहे थे तो बस मैं भी नीचे बैठी थी और बच्चे भी नीचे ही थे उनका दिल नहीं लग रहा था तो वो बच्चों को भी नीचे ही के मेरे पास ही बैठ जाओ तो बच्चे यहाँ पर बोल रहे थे और उसके बाद बस बच बच्चे हस्बैंड बच्चों को लेकर आ गए थे ट्यूशन छोड़ के भी आए थे और लेकर भी आए थे तो यहाँ पर लेकर आ गए थे वो क्योंकि आज ज़्यादा टाइम मेरा नीचे ही गुजरा था सास की तबीयत खराब थी मेरी तो यहाँ पर बस वो कह रहे थे लाओ मुझे गाजर का हलवा खिला दो मैंने कहा ठीक है मैं लाती हूँ तो मैं यहाँ पर गर्म करके ले जा रही थी उनके लिए और बच्चे भी देखो मोबाइल देख रहे थे और कुछ खा रहे थे शायद बिस्किट खा रहे थे तो यहाँ पर वो बैठ के खा रहे थे उसके बाद बस मैंने खाने की तैयारी शुरू की थी तो खाने में आज बनाऊंगी करेले गोश्त में बनाऊंगी कीमा मन नहीं है मेरे पास तो मैं गोश्त में ही बनाऊंगी और बस यहाँ पर मैंने कहा चलो प्याज कट करती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इसी पे करूँ मेरा हाथ भी सही रहते हैं मैंने आपसे बताया था तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि मैं इस पर ही करूँ चॉपिंग बोर्ड पर और यहाँ पर बस मेरी प्याज भी हो गई थी मैंने गोश्त भी निकाला था फिर इससे और करेले में तो मैंने पहले ही नमक लगा कर रख रखे थे मैंने कहा चलो सही हो जाता है क्योंकि कड़वे होते हैं ना इसलिए फिर मैंने कुकर चढ़ाया गैस पर मैंने कहा चलो बनाना शुरू कर देती हूँ जब बस बन जाता तो एकदम ही ये खाना टाइम नहीं लगता ज़्यादा और यहाँ बस मैं आपसे बात करते करते बनाते चली जाती हूँ बहुत अच्छा लगता है वह ज़्यादा पता ही नहीं चलता मुझे काम का और मेरा काम भी अच्छे से हो जाता है लम और यहाँ पर बस मैं मसाले डाल रही थी तो मसाले में धनिया मिर्च हल्दी नमक और करेले का मसाला अच्छा हमारे यहाँ ना चावर का मसाला कहते हैं यहाँ पर ना करेले का मसाला कहते हैं तो बस वो डालूंगी मैं और मैंने इसमें गोश्त प्याज करेले सब एक साथ मिक्स कर दिए थे डाल दिए थे और साथ में यहाँ पर एक टमाटर डाला था अच्छा हमारे घर पे ना टमाटर नहीं डलता हमारे घर पे ना अमचूर या अचार होता है ना डला हुआ वो, वही वो डाल देते हैं लेकिन यहाँ हमारी सास खट्टा नहीं खाती उन्हें अच्छा नहीं लगता मतलब उन्हें पसंद नहीं है अगर कभी उनके आगे आ जाता था तो वो कहती थी तो मैंने डालना छोड़ दिया मैं टमाटर ही डाल देती हूँ एक नहीं तो हमारी अम्मी ना वही डालती हैं तो हमें भी उसी का पता था लेकिन यहाँ पे आके देखा तो नहीं खाती तो मैंने छोड़ दिया तो मैंने कहा चलो हस्बैंड भी मना करते हैं और सास भी मना करती है तो फिर मैं एक टमाटर ही डाल देती हूँ ज़्यादा नहीं डालती टमाटर भी एक ही डालती हूँ और उसके बाद मैं अपना आटा लेकर आई थी और यहाँ पर मेरी सास को एप्पल खाना था वो कहती मुझे एक एप्पल काट के दे दो वैसे तो मैं हमेशा ही काट के देती हूँ लेकिन कभी नीचे रखे आते हैं ना हस्बैंड पहले ही तो वो खुद काटती है नहीं तो मैं खुद काट के देती हूँ तो यहाँ पर बस मैं उनका एप्पल काट रही थी मैंने कहा अब्दुल हादी आपको देकर आना है पापा ना थक रहे थे तो वो लेटे थे मैंने कहा चलो उन्हें लेटने दो वो पूरा दिन जीने पे ऐसे ही रहते हैं कभी ऊपर कभी नीचे उनको भी आराम नहीं मिलता कभी हमारे काम कभी मतलब अम्मी के काम अपनी तो ऐसा ही रहता है पूरा दिन और यहाँ पर बस मैंने अब्दुल हादी से कहा तो अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल हादी खुशी से दिया है थे कि मामा दे दो मैं दियाँगा मैंने कहा चलो दे कर आओ जीने पे लगता तो है डर लेकिन वो खुद भी वैसे भी तो जाते हैं मैंने कहा चलो आप ये भी देख क्या रहा हो तो कुछ हमारा जीना ना इस तरह का है कि डर लगता ही है मतलब कम जगह में बना हुआ है ना तो काफ़ी खड़ा खड़ा जीना है और यहाँ पर अलहदुल्ला अब्दुल आदि देकर आ चुके थे मेरा बेटा अल्लाह ना ज़रबत से बचाए और उसके बाद ना यहाँ पर मेरा खाना भी बन रहा था तो देखो अच्छे से बन रहा था भून गया था मेरा सालन अच्छा कुछ ना मैं जल्दी में ना मैं भूल जाती हूँ गलत भी बोल जाती हूँ उसके लिए माजरत चाहती हूँ तो यहाँ पर ना कल ऐसे ही मैं देख रही थी अपनी वो तो मैं पाँच मिनट को पाँच पता नहीं क्या कह के क्या कह दिया मुझे ख़ुद को भी नहीं पता चला मैं बाद में देख रही हाँ मैंने क्या कहा तो उसके लिए माजरत चाहती हूँ तो यहाँ पर मैं बस अपनी सास की चाय बना रही थी साथ साथ खाना भी बन रहा था मेरा उन उन्होंने फिर चाय को कहा था कि मुझे आधा कप चाय बना दो तो मैंने कहा चलो साथ में मैंने उनकी चाय बनाई और यहाँ पर अलहमदिल्ला मेरा सालन भी अच्छे से बन रहा था बनी गया था बनने का करी मेरा मतलब बन ही गया था मैंने कहा चलो इसको भी करती हूँ ढक्कन लगाती हूँ और धनिया डाला था लास्ट में मैंने अच्छी तरह भून के और बस कुछ इस तरह का था मेरा सालन तो यहाँ मैंने कहा चलो सालन भी बन जाएगा मेरा और मैं चाय भी दी आई थी और उसके बाद बस मैंने आटा गूंदा था आपके सामने मैंने कहा चलो रोटी बनाती हूँ तो बस यह लगाकर मैंने रोटी बनाई और उसके बाद अलहमदिल्ला मेरा सालन बन चुका था सालन भी बन चुका था और उसके बाद बस मैं मैंने खाना लगा रही थी मैं तो ये थी मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना शेयर करना कमेंट करना और चैनल पर नए हो तो लाजमी सब्सक्राइब करना अपना बहुत सारा ख्याल रखना अल्लाह हाफिज़